दोस्तों, एयरो इंडिया 2023 एक काफी सफल प्रोग्राम रहा, जिसमें दुनिया भर के कई देशों की तरफ से अपने रक्षा उपकरण भारत में प्रदर्शन के लिए भेजे गए और भारत ने इनमें से कई रक्षा उपकरणों को देखा जो भारत को पसंद भी आए। लेकिन इन सब के बीच अब दुनिया भर में भारत के तेजस को लेकर उत्सुकता बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे भारतीय वायुसेना तेजस विमानों को अपने बेड़े में शामिल करेगी, बिल्कुल वैसे ही दुनिया भर के देशों का भरोसा इस विमान पर बढ़ेगा। साथ ही अब हम देख सकते हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को लेकर दुनिया भर के काफी देश इंटरेस्टेड है और भारत के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं, जिसमें मलेशिया और उसके बाद अर्जेंटीना और इजिप्ट ने तेजस फाइटर विमानों को खरीदने के लिए भारत से बातचीत शुरू कर दी है। और इसी कड़ी में अब दक्षिणी अफ्रीका के एक देश ने तेजस फाइटर विमान की डिमांड कर दी है, जिसने अफ्रीका के साथ साथ दुनिया भर के देशों को हैरान कर दिया है, क्योंकि इस अफ्रीकी देश ने तेजस में अपना इंटरेस्ट दिखाने से पहले स्वीडन के कर्पन फाइटर विमानों को रिजेक्ट किया था, जो कि इस बात को दर्शाता है कि कैसे कर्पन तेजस का मुकाबला लाइट कॉम्बैट कैटेगरी में नहीं कर सकता। और भारत का तेजस आने वाले समय में दुनिया के कई देशों में ऑपरेट किया जाएगा, जो रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी सफलता होगी। क्या है पूरी खबर, चलिए अब आपको विस्तार से इसके बारे में बताते हैं। दरअसल दोस्तों, दक्षिणी अफ्रीका के एक काफी विकसित देश बोस्वाना ने भारत के तेजस फाइटर विमान में अपनी रुचि दिखाई है और यह देश अपने पास मौजूद पुराने CF-5A विमानों को रिप्लेस करने के लिए भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि तेजस को खरीदना चाहता है। आपको बता दें कि बोत्सवाना अफ्रीका के कुछ विकसित देशों में से एक है, जहां का GDP पर कैपिटल भारत से भी काफी अच्छा है, जो इस देश के HDI को मीडियम रैंक देता है। वहीं इसमें मात्र 26 लाख के करीब लोग रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस देश की अर्थव्यवस्था $17 अरब की है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी कम आबादी और इतनी ज्यादा GDP होने की वजह से इस देश के लोग कितना अच्छा जीवन बिता रहे हैं। साथ ही बोत्सवाना में मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर और राजनीतिक स्थिरता भी दूसरे अफ्रीकी देशों के मुकाबले काफी अच्छी है। यह भारत से 7500 किलोमीटर दूरी पर मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी यह देश स्वीडन के ग्राइपन को रिजेक्ट करके भारत से तेजस की खरीद करना चाहता है। ग्रिपेन को रिजेक्ट करने का सबसे बड़ा कारण इस विमान की ऊंची कीमत है, जो कि इस देश के लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही सरकार ने फैसला लिया कि वे स्वीडन के ग्रिपन विमानों को खरीदेंगे, इसके बाद ही तुरंत बोत्सवाना में इसका विरोध शुरू हो गया कि आखिर इतने महंगे फाइटर विमानों को खरीदने का क्या तर्क बनता है, और वह भी तब जब यह विमान लाइट कैटेगरी के हैं। इसके बाद भी बोत्सवाना भारत से तेजस खरीदने में ज्यादा इंटरेस्टेड है और इसके लिए बातचीत अब शुरू हो सकती है, क्योंकि बोत्सवाना के पास अभी कोई खास फाइटर विमान मौजूद नहीं है। इसलिए अगर भारतीय तेजस बोत्सवाना की वायुसेना में अपनी जगह बनाता है, तो शुरुआती तौर पर यह डील 12 से लेकर 20 फाइटर विमानों के लिए हो सकती है और आगे जाकर इनकी संख्या 60 से 75 तक हो सकती है, क्योंकि तेजस अपनी कीमत के मुकाबले काफी भरोसेमंद और शक्तिशाली जेट है। दोस्तों, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पहले मलेशिया और फिर अर्जेंटीना और उसके बाद इजिप्ट और अब बोत्सवाना, ये सभी देश ऐसे हैं जो भारत से तेजस खरीदने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और बहुत ही जल्द तेजस फाइटर विमानों की सेल को लेकर कोई बड़ी खबर आ सकती है, जो रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भारत की बड़ी सफलता होगी। लेकिन यह सब तभी संभव हुआ जब खुद भारतीय सेना ने 80 से ज्यादा संख्या में तेजस फाइटर विमानों को खरीदने का फैसला किया और ये भारत की तरफ से उठाया गया एक बहुत ही अच्छा कदम था। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, भारत में G20 की बैठकें चल रही है और इस बैठक में अमेरिका, रूस, ब्राजील, UK समेत कई बड़े बड़े देशों के PM और प्रेसिडेंट भारत में शिरकत कर रहे हैं। लेकिन इस बीच भारत ने वे सारे फायदे उठाने शुरू कर दिए हैं जो अभी तक भारत के हक में तो थे, लेकिन भारत को हक मिला नहीं था। और सबसे पहला तो यह है कि UNSC में वीटो और दूसरा है रुपए को इंटरनेशनल करेंसी बनाना। तो आपको बता दे कि G20 के माध्यम से भारत ने अब अमेरिका को कांटे की टक्कर देना शुरू कर दी है और जो इंतजार था वह खत्म हो गया है। अब आपको बताते हैं कि कैसे रुपया अब इंटरनेशनल होने जा रहा है। दोस्तों, डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में भारत ने दुनिया भर के देशों को अपना लोहा मनवाया है
और भारत में ये बात साबित हो गई है कि कैसे डिजिटल इकोसिस्टम के मामले में आज भारत का मुकाबला कोई भी देश नहीं कर सकता। भारत द्वारा लॉन्च किए गए यूपीआई प्लेटफॉर्म ने अपनी क्षमता के दम पर करोड़ों लोगों की जिंदगी में अपना महत्वपूर्ण भूमिका बना ली है, जिसका आज छोटे से लेकर बड़े ट्रांजेक्शन सभी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूपीआई की सफलता ने दुनिया को इसलिए भी हैरान किया क्योंकि यह प्लेटफॉर्म आज से मात्र 6 से 7 साल पहले लॉन्च किया गया था। इसके बावजूद यह आज दुनिया भर के अलग अलग देशों में अपनी पहुंच बना चुका है। साथ ही यूपीआई के आने के बाद देश में डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में बड़ी क्रांति आई है और लोगों ने कैश का इस्तेमाल कम करके ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे में दोस्तों, भारत के अंदर खुलकर यूपीआई का आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि अगर आपके फोन में यूपीआई है और आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं, तो आप इसका इस्तेमाल करके देश के अंदर छोटे से सामान से लेकर एक बड़े मोबाइल तक को खरीद सकते हैं, जो कि काफी सुविधाजनक है। लेकिन हम जानते हैं कि भारी संख्या में भारतीय लोग भारत छोड़कर दूसरे देशों में काम करने और पढ़ने के लिए जाते हैं। ऐसे में दोस्तों, भारत के अंदर खुलकर यूपीआई का आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि अगर आपके फोन में यूपीआई है और आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं, तो आप इसका इस्तेमाल करके देश के अंदर छोटे से सामान से लेकर एक बड़े मोबाइल तक को खरीद सकते हैं, जो कि काफी सुविधाजनक है। लेकिन हम जानते हैं कि भारी संख्या में भारतीय लोग भारत छोड़कर दूसरे देशों में काम करने और पढ़ने के लिए जाते हैं। ऐसे में पिछले कई सालों से भारत डिमांड कर रहा है कि भारत किसी यूपीआई की सुविधा को दूसरे देश में उपलब्ध करवाए। इसके तहत भारत ने सिंगापुर के साथ मिलकर यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए अब तक का सबसे बड़ा कदम उठा लिया है, जो सिंगापुर में रहने वाले भारतीय युवकों की जिंदगी काफी आसान कर देगा। ऐसे में इस महत्वपूर्ण कदम पर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े बयान दिए, जो अपने आप में भारत के लिए काफी बड़ा संदेश है कि कैसे डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत सबको पीछे छोड़ता हुआ आगे निकल जाएगा। दरअसल दोस्तों, भारत और सिंगापुर ने अपनी क्रॉस कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई और पे नाउ को लिंक। पे नाउ यूपीआई का सिंगापुर काउंटर पोर्ट है, जो सिंगापुर के अंदर बिल्कुल यूपीआई की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में अब भारतीय यूपीआई का इस्तेमाल करते हुए सिंगापुर में आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। सिंगापुर से ही आसानी से भारत को पेमेंट की जा सकती है, जो कि सिंगापुर में रहने वाले भारतीयों के लिए फंड ट्रांसफर काफी आसान बना देगा। यह कदम प्रधानमंत्री मोदी और सिंगापुर काउंटर पोर्ट की तरफ से उठाया गया, जिससे दोनों ही देशों के शीर्ष नेताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देखा। इस दौरान भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सिंगापुर की मॉनिटरिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यूपीआई को सफलतापूर्वक पे नाउ के साथ लिंक कर दिया। ऐसे में यह दोनों देशों द्वारा उठाया गया अब तक का सबसे बड़ा कदम है, जिसका प्रभाव हमें अगले कुछ सालों में दिखना शुरू हो जाएगा। तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि साल 2021 से 2022 के बीच में भारत और सिंगापुर का द्विपक्षीय व्यापार $30 अरब को पार कर गया था, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक आंकड़ा है। साथ ही सिंगापुर में लाखों की संख्या में भारतीय स्टूडेंट और वर्कर काम करते हैं, जिन्हें अक्सर फंड ट्रांसफर की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अब उनके लिए फंड ट्रांसफर करना काफी आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।